नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 30 मार्च। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीट पीजी फीस पेमेंट के लिए दोबारा खोली गई विंडो। ऑडिटर भर्ती परीक्षा की तारीख हुई जारी। लड़कियों का पढ़ाई की तरफ बढ़ रहा है रुझान। अगले दो दिनों में बिहार में देखने को मिल सकती है धूल भरी आंधी। मार्च से पटरी पर दौड़ेगी पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर। ऑडिटर भर्ती परीक्षा की तारीख हुई जारी। बिहार लोक सेवा आयोग ने पंचायत ऑडिट सेवा की प्रारंभिक परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी है, जिसके तहत अब यह परीक्षा 25 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया जिले के मुख्यालयों पर आयोजित करवाई जाएगी। हालांकि जारी किए गए अधिसूचना में यह साफ कर दिया गया है कि परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रकाशन एक सप्ताह पहले किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से यह भर्ती प्रक्रिया ऑडिटर के 350 पदों को भरने के लिए हो रही है। इसको लेकर 26,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने अब तक आवेदन कर दिया है। सहरसा के बाबा की कुटी बनगांव में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। 18वीं शताब्दी में बनगांव के उत्तर में स्थित गांव परसरमा में जन्मे लक्ष्मीनाथ गोसाई को आदर से बाबा जी के नाम से संबोधित किया जाता है। बाबा जी साधु, योगी, दार्शनिक, कवि, लोक सेवक, चमत्कारिक शक्तियों के धारक थे। उनकी असाधारण शक्तियों, लोक सेवक और गाँव के लोगों की उन्नति के प्रयास की वजह से ही लोग उन्हें ईश्वर का रूप मानते हैं और ईश्वर की तरह नित्य पूजा करते हैं। हाल के वर्षों में बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बाबा जी के मंदिर में आशीष लेने जा थे। इसके साथ ही बाबा जी कुटी का प्रसिद्ध स्थान सहरसा जिला मुख्यालय से लगभग 9 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, जहां विशाल बरगद का पेड़ है, जिसके तहत लक्ष्मण नाथ गोसाई के अवशेषों को संरक्षित रखा गया है। इस मामले में बिहार बोर्ड ने सीबीएसई और आईसीएसई को छोड़ा पीछे। पढ़ाई के मामले में अक्सर लोग सीबीएसई या आईसीएसई को ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन अब बिहार बोर्ड ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि इसने सीबीएसई और आईसीएसई दोनों को पीछे छोड़ दिया है, जिसके तहत बीएसईबी ने परीक्षा लेने और समय पर परिणाम जारी करने के मामले में बिहार समेत देश के सभी शिक्षा बोर्ड को पीछे छोड़ दिया है। जानकारों की माने तो सीबीएसई, आईसीएसई या देश के दूसरे शिक्षा बोर्ड जब 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा करा रहे होंगे, तब तक बिहार बोर्ड के छात्र नए सत्र के नामांकन ले चुके होंगे। सिर्फ ही नहीं बल्कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर भी बिहार बोर्ड के पास आउट हुए छात्रों की तैयारी करने के लिए ज्यादा टाइम होगा, यानी कि इंटर के छात्रों के पास इस बार पहले की तुलना में ज्यादा समय है अपनी बाकी के परीक्षाओं की तैयारी के लिए। पंचायत चुनाव को लेकर केंद्र राज्य सरकार के मंत्री, सांसद और विधायक के लिए दिशा निर्देश जारी। पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया, मगर बिहार पंचायत चुनाव में केंद्र राज्य सरकार के मंत्री, सांसद और विधायक के लिए फरमान जारी कर दिया गया है, जिसके तहत आयोग ने आचार संहिता को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जिसके अनुसार केंद्रीय या राज्य सरकार के मंत्रियों या सांसदों और विधायकों को निर्वाचन एजेंट या मतगणना एजेंट के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा मतगणना के दौरान कोई सरकारी व्यक्ति मतगणना अभिकर्ता नहीं बन सकेगा। इसके साथ ही इस मुताबिक यदि कोई सरकारी व्यक्ति दिशा निर्देश का उल्लंघन करता है तो उसे 3 महीने के कारावास, जुर्माना या फिर दोनों का दंड हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. दीपक प्रसाद ने मतगणना हस्तपुस्तिका जारी की है। इसके अनुसार राज्य में पहली बार ईवीएम के माध्यम से होने वाले पंचायत चुनाव में मतगणना से संबंधित दिशा निर्देश का पालन किया जाना अनिवार्य किया गया है। लड़कियों का पढ़ाई की तरफ बढ़ रहा है रुझान। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम के आने के बाद कई बातों का खुलासा हुआ है, जिसके तहत ही यह बात तो तय मानी जा रही है कि राज्य की बेटियों में शिक्षा के प्रति रुझान काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसके साथ ही समाज भी लड़के शिक्षा को लेकर जागरूक हुआ है और उन्हें आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति भी बढ़ती देखी गई है। यही कारण है कि इंटर परीक्षा की तीनों संकाय में बेटियां ही टॉपर बनी है। विशेष रूप से बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला सशक्तिकरण योजना के तहत जो महिलाओं को शिक्षित बनाने का अभियान चलाया गया है, उसी का परिणाम है। जानकारों माने तो प्रारंभिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा में सरकार की तरफ से छात्राओं को दिए जा रहे प्रोत्साहन के नतीजे सामने आने लगे हैं। जानकारों का यह भी कहना है कि लड़कियों की शिक्षा के प्रति रुझान में उस समय तेजी आई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्कूल जाने वाली बेटियों के लिए साइकिल योजना को जमीन पर उतारा। इस योजना के तहत ही ज्यादा लड़कियां स्कूल जाने के लिए प्रेरित हुई थी। बिहार में कोरोना के मिले 200 से ज्यादा मामले। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 239 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 106 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही भागलपुर में 16 तो वहीं जहानाबाद में 13 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अगर हम बीते 24 घंटे में ठीक हुए मरीजों की संख्या की बात करें तो कुल मिलाकर 97 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद अब तक कुल ठीक हुए व्यक्ति की संख्या 2,62,133 पर पहुँच गई है। वहीं बिहार राज्य में रिकवरी दर की बात करें तो ये 98.85% है, जिसके बाद बिहार में वर्तमान में कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की संख्या 1487 पर पहुंच गई है।
आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे चंद्रावती देवी की। चंद्रावती देवी का जन्म 19 अक्टूबर 1909 को बिहार में हुआ था। चंद्रावती देवी एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी जो हिंदी के साथ साथ बंगाली सिनेमा में भी दिखाई दी। वो 1935 में पंथ क्लासिक देवदास में चंद्रमुखी के रूप में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती है। 1929 की मूक फिल्म पियारी में चंद्रावती देवी ने अपना फिल्म डेब्यू किया और देवकी बोस की संस्कारी क्लासिक मीराबाई में मीरा की भूमिका के बाद उन्हें स्टारडम के लिए मान लिया गया। इसके साथ ही उन्होंने अपने जीवन में कई फिल्मों के लिए काम किया है जिसने समय समय पर काफी सुर्खियां बटोरी हैं। बिहार के इन शहरों के लिए आसमान छूने लगा हवाई किराया। दिल्ली, कोलकाता और मुंबई जैसे महानगरों से पटना आने वाले हवाई किराए में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस दौरान कई लोग होली के मौके पर घर भी आए थे। वहीं वापसी के किराए में वृद्धि से सबसे ज्यादा खास बात ये नजर आई है कि होली से ठीक बाद 31 मार्च या 1 या 2 अप्रैल को सबसे अधिक किराया ना हो करके बल्कि उसके बाद सबसे अधिक है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु वापसी के लिए 4 अप्रैल जबकि कोलकाता और हैदराबाद में वापसी का किराया 3 अप्रैल को सबसे अधिक है। चेन्नई जाने का किराया दोनों दिन एक समान है। हालांकि कोविड-19 को ध्यान में रखते वे एयरपोर्ट पर विशेष जांच अभियान भी चलाया जा रहा है। अगले 2 दिनों में बिहार में देखने को मिल सकती है धूल भरी आंधी। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है। जहां होली के मौके पर मौसम शुष्क नजर आया वहीं आने वाले 2 दिनों में धूल भरी तेज हवाओं का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो राज्य में आने वाले अगले 2 दिनों के दौरान दिन के तापमान में कोई खास परिवर्तन होने की संभावना नहीं है लेकिन रात के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। लेकिन 30 और 31 मार्च को बिहार में धूल भरी तेज हवाएं चलने की संभावना है। 31 मार्च से पटरी पर दौड़ेंगी पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे कोविड-19 के माहौल में बंद पड़ी 70% ट्रेनों का परिचालन एक बार फिर से शुरू करने की पहल में जुट गया है। मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल महीने में रेलवे की ज्यादातर ट्रेनें अपने पूर्व निर्धारित टाइम टेबल के अनुसार चलने की संभावना है। इसी कड़ी में पूर्व मध्य रेलवे ने वाराणसी और पटना जंक्शन के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस का परिचालन शुरू करने का फैसला किया। यह ट्रेन वाराणसी के पास मंडुआडी से खुलकर पटना जंक्शन तक जाती है। अगर सब कुछ सही चला तो यह ट्रेन लगभग 1 साल के बाद पटरी पर लौटने वाली है। इसमें बिहार और यूपी के रेल यात्रियों को काफी ज्यादा फायदा होगा। इतना ही नहीं स्थानीय यात्रियों को भी काफी फायदा और सहूलियत होगा। आधुनिक पटना के शिल्पकार लॉर्ड हार्डिंग ने बिहार को दिए कई नए धरोहर। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। ब्रिटिश शासन से उभरे भारत से तो अंग्रेजों ने बहुत कुछ लिया लेकिन इस ब्रिटानिया हुकूमत के दौरान एक वॉइस चांसलर ऐसे भी थे जिसका बिहार आज भी कर्जदार है। उस वॉइस रॉय का नाम लॉर्ड हार्डिंग था। लॉर्ड हार्डिंग ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने साल 1911 में जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार में इस बात की घोषणा की थी कि बंगाल विभाजन के बाद संयुक्त बिहार की राजधानी पटना होगी। इतना ही नहीं पटना हाईकोर्ट या विधानसभा के इमारतों को देखकर जब हम मोहित होते हैं जिस यूरोपीय वास्तुकला की बनी इमारतों के तले आज हमारे माननीय बैठते हैं उसका निर्माण भी लॉर्ड हार्डिंग ने ही करवाया था। तब से अब तक पटना उच्च न्यायालय यूरोपीय वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। पूर्णिया के किसानों की किस्मत बदल रहा ड्रैगन फ्रूट। कोविड-19 संक्रमण के बचाव के लिए लोग अब शरीर को स्वस्थ और सेहतमंद बनाए रखने वाले रोग प्रतिरोधी फलों को दैनिक आहार में शामिल करते नजर आ रहे हैं। कोविड-19 काल में इंसानी खानपान में भी काफी परिवर्तन देखने को मिला है। इसके साथ ही पूर्णिया जिले में खेती का ट्रेंड भी चेंज हो गया है। पारंपरिक खेती से मुंह मोड़कर जिले के जलालगढ़ प्रखंड के किसान अनोखी इंटरक्रॉपिंग तकनीक से माउंटेन फल यानी कि ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। किसान के मुताबिक इसमें एक बार की लागत में करीब 25 साल तक का मुनाफा होता है। इंटर क्रॉपिंग तकनीक की मदद से ही ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की गई है। आलम यह है कि राजधानी पटना समेत पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्यों से इस फल की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है। गया के 3 दिवसीय रंगोत्सव पर्व का आज होगा समापन। भगवान श्री हरि विष्णु के विशेष श्रृंगार के साथ गया शहर में 3 दिवसीय रंगोत्सव का त्यौहार आज खत्म होने वाला है। शहर के विष्णुपद प्रतिष्ठित विष्णुपद मंदिर में रविवार से ही भगवान श्री हरि विष्णु का विशेष श्रृंगार किया गया जिसमें काफी मात्रा में फूलों का इस्तेमाल देखने को मिला। विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में स्थित विष्णु चरण चिन्ह को विशेष तरह से सजाया गया था जो देखने में काफी सुंदर और आकर्षक लग रहा था। चरण चिन्ह को सूखे मेवे से सजाया गया था। इतना ही नहीं कई तरह के फूलों का प्रयोग भी किया गया था। हालांकि इस 3 दिवसीय महोत्सव में श्रद्धालुओं की भीड़ काफी ज्यादा देखने को मिली। भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं को एक एक करके गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही थी। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की तारीख हुई जारी। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सभी केंद्रीय विद्यालयों में नामांकन की तारीख जारी कर दी है जिसके बाद इच्छुक अभिभावक 1 अप्रैल से कक्षा 1 के लिए नामांकन फॉर्म भरने का काम कर सकते हैं। हालांकि विद्यालयों ने यह साफ कर दिया है कि कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन फॉर्म ही भरे जाएंगे। इसको लेकर KVS ने ऐप भी जारी कर दिया है जिसको कि आप आसानी से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि इस बार कोरोना के कारण केंद्रीय विद्यालय में नामांकन देरी से होगी। अब तक मार्च में नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली जाती थी लेकिन इस बार अभिभावकों को अप्रैल से मई तक नामांकन
एडमिशन के लिए इंतजार करना होगा। कक्षा एक के लिए kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। ध्यान रहे KVS द्वारा हर कक्षा के लिए अलग अलग फॉर्म जारी किए गए हैं। पंचायत चुनाव के मई से भी आगे जाने की बढ़ी संभावना। पंचायत चुनाव की तैयारी जोर शोर से हो रही है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग के बीच ईवीएम को लेकर फंसे मामले के कारण चुनाव में देरी होना तय माना जा रहा है। चुनाव की अधिसूचना मार्च तो दूर, अप्रैल के पहले सप्ताह में भी जारी होने की उम्मीद नहीं है। जानकारों का कहना है कि ईवीएम खरीद लेने के बाद भी इस प्रक्रिया में महीने भर का वक्त तो लग ही जाएगा। इस तरह मई का महीना भी गुजर सकता है। जून के बाद राज्य में बारिश का मौसम भी शुरू हो जाता है। बारिश और बाढ़ का मौसम शुरू होने के बाद राज्य के कई हिस्सों में चुनाव संपन्न कराना बड़ी चुनौती बन जाएगा। राम मंदिर निर्माण में बिहार के इन 5 जिलों ने दिया सबसे ज्यादा दान। राम मंदिर निर्माण को लेकर देश भर से कई करोड़ रुपयों का दान अब तक किया जा चुका है। वहीं बिहार से भी दान करने वालों ने भी जी खोलकर दान किया है, जिसके तहत इन 5 जिलों ने दिल खोलकर दान किया है। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए पटना के हनुमान मंदिर ने 5 करोड़ की राशि 5 सालों में देने का फैसला किया है। वहीं बिहार में सबसे ज्यादा दान देने वाले जिलों में पटना जिला पहले नंबर पर है, जहां से 6 करोड़ से ज्यादा दान दिया गया है। इसके बाद भागलपुर जिले ने 1,66,14,295 का दान दिया है। आरा जिले ने 1,11,52,056 का दान दिया। औरंगाबाद जिले ने 1,27,94,835 का दान दिया। गया जिले ने 1,30,89,909 का दान दिया है। नीट पीजी फीस पेमेंट के लिए दोबारा खोली गई विंडो। नीट पीजी के लिए फीस पेमेंट की एप्लीकेशन विंडो दोबारा खोल दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक फीस जमा नहीं किया है वो 30 मार्च तक फीस जमा कर सकते हैं। फीस पेमेंट की विंडो दोबारा खोलने का फैसला इसीलिए लिया गया है क्योंकि 1,063 उम्मीदवारों की फीस अभी तक पेंडिंग है। इन उम्मीदवारों को बोर्ड ने एक और मौका दिया है, जिससे कि ये फीस जमा करके आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने नीट पीजी के लिए आवेदन की प्रक्रिया 23 फरवरी से शुरू की थी। शेड्यूल के मुताबिक नीट पीजी परीक्षा 18 अप्रैल 2021 को देश भर के विभिन्न केंद्रों आयोजित की जाएगी। पटना में इन जगहों के जमीन के दाम जानकर चौंक जाएंगे आप। पटना में घर बनाने का सपना देखने वालों के लिए अहम सूचना। पटना शहर में सबसे पॉश इलाकों में गांधी मैदान से लेकर सगुना मोड़ तक का क्षेत्र आता है। इन क्षेत्र में जमीन की कीमत सबसे ज्यादा बताई जा रही है। इन इलाकों में जमीन को खरीदना आम आदमी के बस की बात ही नहीं है। इन इलाकों में जमीन का रेट करोड़ों से भी ऊपर पहुंच गया है। पटना के 3 इलाके डाक बंगला, फ्रेजर रोड और एग्जीबिशन रोड में जमीन की कीमत सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही पटना के डाक बंगला में जमीन का सर्कल रेट 1.3 से 1.4 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं पटना के फ्रेजर रोड में जमीन का सर्कल रेट 1.2 से 1.3 करोड़ रुपए है। वहीं एग्जीबिशन रोड में 1.2 करोड़ से 1.3 करोड़ तक है। होली के बाद तेजस्वी को लेकर सरकार की बढ़ी चिंता। बिहार विधानसभा घेराव के दौरान 23 मार्च को राजधानी पटना की सड़कों पर हुए हंगामे को लेकर सत्ता पक्ष और महागठबंधन आमने सामने है। हालांकि होली तक फिर भी मामला संभला हुआ नजर आ रहा था, मगर राजद के वरिष्ठ नेता होली के बाद करो या मरो जैसे आंदोलन की तैयारी में नजर आ रहे हैं। इसको लेकर लगातार बैठक का आयोजन भी करवाया जा रहा है। हाल ही में राबड़ी देवी के आवास पर हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया कि अब होली के बाद सरकार के खिलाफ करो या मरो वाले तेवर में आंदोलन और तेज किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें 23 मार्च को हुए वाक्य के बाद से तेजस्वी यादव समेत कई लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। हालांकि महागठबंधन के नेता चुप रहने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद सरकार भी थोड़ी परेशान नजर आ रही है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से मानी जाती है। महात्मा गांधी ने 1919 में आज के दिन रॉलेट एक्ट के विरोध की घोषणा की थी। राजस्थान राज्य की स्थापना 1949 में आज ही के दिन हुई थी। इतना ही नहीं, आज ही के दिन जयपुर को उसकी राजधानी बनाया गया था। आज ही के दिन स्वामी अग्निवेश ने 1977 में अपनी भारतीय आर्य सभा पार्टी को जनता पार्टी के विलय करने का ऐलान किया था। आज ही के दिन सत्यजीत रे को 1992 में मानद ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दिल्ली के मशहूर और पुराने सिनेमाघरों में एक 1932 में चल रहे रीगल सिनेमा हॉल को 2017 में बंद कर दिया गया था। 1899 में आज ही के दिन भारत पाकिस्तान विभाजन की रेखा तैयार करने वाले सीरियल रेडक्लिफ का जन्म हुआ था। सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकिशन सिंह का 1664 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। सुपर लीग के पॉइंट टेबल में स्थान पर पहुंचा भारत। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम दर्ज कर चुकी है और इस जीत के साथ ही टीम इंडिया के खाते में 10 पॉइंट जुड़ गया है, जिसके बाद भारत के खाते में 19 पॉइंट्स थे जो कि अब 29 पॉइंट्स में तब्दील हो गया है। वहीं इंग्लैंड 9 मैचों में 4 जीत और 40 पॉइंट्स है। इसके साथ ही वो रन रेट के मामले में इंग्लैंड से पीछे है। भारत के खाते में एक पेनाल्टी ओवर जुड़ा है, जिससे उसे 1 पॉइंट का नुकसान हुआ है, जिसके बाद भारत 7वें स्थान पर है।
होली के मौके पर अमिताभ बच्चन ने शेयर की पुरानी तस्वीर। होली के मौके पर इस बार कोरोना के कारण बॉलीवुड में कोई होली का खास चहल पहल देखने को तो नहीं मिला, लेकिन सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज ने खूब फोटोज शेयर की। क्रम में बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने भी बीते दिन एक पुरानी तस्वीर को शेयर किया। फोटो मोनोक्रोम है और फिर तस्वीर में अमिताभ बच्चन के साथ जया बच्चन और नन्हे अभिषेक बच्चन दिख रहे हैं। फोटो शेयर करते हुए अमिताभ ने लिखा, रंगबर से भीगे चुनर वाली रंगबर से होली है। इस फोटो में अमिताभ बच्चन अपने कंधे पर बेटे अभिषेक को बैठाए हुए हैं, वहीं पत्नी जया बच्चन उनके पीछे खड़ी है। व्हाट्सएप से अब आसानी से भेजे बड़ी फाइल्स और वीडियोस। व्हाट्सएप यूजर की संख्या आज के समय में काफी ज्यादा है। कोरोना के माहौल में व्हाट्सएप लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। इसी बीच अब व्हाट्सएप ने अपने सभी यूजर के लिए नया फीचर रोल किया है, जिसके तहत व्हाट्सएप के माध्यम से बड़ी फाइल्स को आप आसानी से भेज सकते हैं। वर्तमान समय में यूजर के पास अधिकतम 100 MB तक की फाइल्स भेजने की सुविधा है, लेकिन अब आप गूगल ड्राइव का सहारा लेकर व्हाट्सएप पर बड़ी से बड़ी फाइल्स भेज सकते हैं। हालांकि गूगल ड्राइव पर 50 GB तक का स्पेस मुफ्त है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी फाइल होने पर आपको पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 29 मार्च को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 42,980 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 43,980 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 65,700 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 93.32 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल 85.52 रुपए प्रति लीटर था। होली के दिन भी कोविड-19 सैंपल की हुई जांच। बिहार में बीते दिन होली धूमधाम से मनाई गई। हालांकि इसके बावजूद कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए बिहटा के NSMCH में कोविड-19 को लेकर जांच जारी है। इसको लेकर NSMCH के MD कृष्ण मुरारी ने कहा है कि हम लोग पर्व तो मना रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सतर्कता और जागरूकता की जरूरत है। कोविड-19 एक बार फिर से अपने पांव पसारने में जुट गया है। इस दूसरी लहर में हम लोगों को ज्यादा सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि हर दिन 3200 सैंपल की जांच जारी है। अस्पताल का लक्ष्य ही हर दिन 10,000 कोविड-19 की जांच की जा सके। हालांकि अभी पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम बताई जा रही है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नवीन कुमार, असलम राज, प्रिया रंजन, आतिक खान, नितेश कुमार, सुरेश यादव, ज्ञानचंद पासवान, सरवन कुमार, शंभु शर्मा, आलोक राज, शशिभूषण, मोहित कुमार, ओमकार सिंह, रोहित कुमार राज। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपने बीते दिन होली कैसे मनाई? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।